हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिसेंट ये गोटा पट्टी का सूट डिज़ाइन। ये मैंने ये लाइन बनाई है इसके साथ शॉर्ट, और बहुत ही प्यारा ट्रिपल कलर में इसका दुपट्टा है। और शलवार की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने इसको अफगानी शलवार के साथ रेडी किया है। आप इसको ट्राउज़र या लेगिन वगैरह के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये उतनी ही प्यारी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इस पर गोटा वर्क किया है, और इसके साथ मैंने पफ स्लीव्स रेडी किए हैं। बहुत ही कम फैब्रिक में हमने ये रेडी की है। इसके पफ स्लीव्स की वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी थी, और अब मैंने ये आपको लगा कर भी दिखा दिए। राउंड नेक लाइन है इसका आगे का, और पीछे का नेक लाइन इसका की होल के साथ है, और अप डाउन फ्रॉक है ये फ्रेंड्स। आप देखिए इसका दामन देखिए, वो मैंने आगे से थोड़ा सा ऊंचा रखा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं लिया है। और दामन पे मैंने दो सिकिया की लाइन लगा दी हैं, जो एक उसको बॉर्डर का लुक दे रही हैं। हमारे स्लीव्स से भी मैच हो रही हैं ये। मैंने इन दोनों के बीच में 1 इंच का गैप रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही डिसेंट ब्यूटीफुल ये पीस रेडी किया है मैंने, और इस पर हैंडवर्क है, ये सिकिया का वर्क किया है, और कुछ स्टोन्स और मोती से इसको कंप्लीट किया है। और ब्यूटीफुल से इसके साथ गोटा वाले टसल्स रेडी किए हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और 2 मीटर में हमने इसकी शलवार रेडी की थी, और उसी का बचा हुआ फैब्रिक हमने दुपट्टे पर लगाया है, और बचा हुआ फैब्रिक हमने स्लीव्स में और टसल्स में भी यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दुपट्टा देखिए इसका, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है ट्रिपल कलर में। यह आपका एक बहुत ही अच्छा आउटगोइंग का ड्रेस है। आजकल मल्टी कलर येलो कलर के साथ बहुत चल रहा है, मेहंदी का सूट भी इस टाइप का आप बना सकते हैं एज अ गेस्ट। ये शलवार के हमने कलर उठाए हैं ऑफ वाइट, और ये मेहंदी, और ये मस्टर्ड, और ये तीनों कलर। और हमने दुपट्टा मेकिंग की है इसमें, दुपट्टा को डाई करा के और उस पर सिकिया का वर्क किया है। आप इस पर आराम से सिकिया लगा सकते हैं, कोई भी बॉर्डर लेस का लगा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका दुपट्टा लग रहा है, और बॉर्डर भी इसका बहुत ही सफाई से लगा है। ये देखिए, इसमें कुछ स्टोन्स और मोती हैं, ये मैंने टसल्स में भी यूज़ किए हैं। ये आगे से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लेंथ को कर सकते हैं। मैं इसमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस है। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, और इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। मैं आगे और पीछे की कटिंग एक साथ करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है, आप अपना कोई भी फैब्रिक पे इसको अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन को। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 फोल्ड करके इसको बिछा लेना है। ये मैंने एक फुल साइज़ ड्रेस रेडी की है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। अपनी शर्ट से नाप लें, या आप किसी का ख़ुद का अपना नाप लेकर इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। ए लाइन बनाना बहुत आसान है, और मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे टिप्स के साथ इसको बताने वाली हूँ। अगर आपकी कटिंग अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप इसको इजीली स्टिच भी कर सकते हैं। ये ओपन साइड है, ये हमने रख लिया है, अब हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। ये हम कपड़े की लेंथ देख लेते हैं। ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है, और इसकी लेंथ है 46 इंच। 46 इंच इसकी लेंथ है।
और कपड़े की चौड़ाई कितनी है? कपड़े की चौड़ाई है 22 इंच। इसमें आपकी एक अच्छी घेर वाली फ्रॉक निकल आएगी। अब हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। आप इंच टेप से, स्केल से, किसी भी चीज़ से निशान लगा सकते हैं। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। मैं इसमें 6.5 के कंधे ले रही हूँ। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग शोल्डर ले सकते हैं। और मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ 6.5। आप इसमें थोड़ा आधा इंच बढ़ा लें अगर इसी नाप को बना रहे हैं तो। 6.5 और 7.5 के बीच हम इसको रख लेते हैं। और अब मैं इसके चेस्ट का निशान लगा लेती हूँ। चेस्ट है हमारी 40, तो हम उसका 10 यहाँ मार्क कर लेते हैं। और मैं इसकी बॉडीज की ऊपर की लेंथ 15 पे मार्क करके यहाँ से इसकी वेस्ट का निशान लगाऊंगी। कमर का वेस्ट है हमारी 9, 18 का 9। और अब हम इस निशान को, चेस्ट वाले निशान को, वेस्ट के निशान से मिला लेंगे। ये मैंने ऊपर का जो बॉडीज का नाप लिया है चोली टाइप का, ये मैंने 15 इंच का लिया है। 15 इंच एक परफेक्ट है, बाकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसका आर्म होल निकाल लेते हैं। इसमें गोलाई दे लें आप इस तरह। और अब हम अपना सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं। 2 इंच मैं सिलाई के लिए इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रही हूँ। इस तरह इस लाइन को भी आप यहाँ से इस तरह मिला लीजिए। अब हम 1/2 इंच पीछे की तरफ मार्किंग करेंगे आगे के शोल्डर के लिए। ये हम आगे के लिए निशान लगा रहे हैं गहराई में। अब हम इसके गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 5.5 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ आगे के गले की। पीछे का गला हम बाद में आपको बताएंगे। ये यहाँ से भी आप इसको सीधा कर लें। जब कभी आपको राउंड बनाना हो तो आप इस उसके बीच में एक इस तरह लाइन बनाएं और अपना राउंड शेप निकाल लें। ये हमारा गला हो गया है। अब हम पीछे का गला ले रहे हैं। पीछे का मैं 3 इंच ले रही हूँ इसकी गोलाई, और मैं इसमें 4 इंच का की होल लूँगी, तो ये तकरीबन 7 इंच का हो जाएगा हमारा। और ये हम 1/2 इंच इसकी शोल्डर को डाउन करेंगे। यह हमारी ऊपर की मार्किंग हो गई है। अब हम नीचे किसी स्केल या फिर आप इंची टेप की हेल्प से इसको यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर लें एक फ्रॉक के टाइप, अम्ब्रेला टाइप के शेप में, और नीचे तक मिला लीजिए। आप इसको सीधे स्केल से या इंची टेप से या डॉट डॉट करके भी मिला सकते हैं इस तरह। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब फ्रेंड्स एक स्केल लेके आप इसको यहाँ से 1/2 इंच पे सीधा ले लीजिए, ताकि आप जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको इसमें स्टिच करने में कोई परेशानी ना हो।
इस तरह। अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, उतनी ही लेंथ हमारी इधर आनी चाहिए बराबर, दोनों तरफ से सेम। और हम यहाँ से चौक से मार्क लगा लेंगे और इस निशान को उस निशान से मिला लेंगे। इसी तरह आप अपना कभी भी ये लाइन निकालें तो उसके कॉर्नर जो हैं वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो उनको इस तरह आप कट कर लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम यहाँ से ऊपर से इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो नीचे भी एक मार्जिन के लिए निशान लगा सकते हैं, लेकिन नीचे तो हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं देना होता, बस एक पतली सिलाई करनी है, तो हम इसमें अपनी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी कट हो गई। अब हम यहाँ से अपना ये पीछे वाला गला काट लेंगे और अब पीछे के कपड़े को हम कर देंगे अलग। अब हम इसमें से अपना आगे वाला गला काट लेंगे। अगर आप चाहें तो गला ना काटें, आप उसको पहले बुकरम पे पेस्ट करके बना लें। ये राउंड नेक है, बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं और ये भी पट्टी से भी ये बन जाता है। अब हम आगे की इसकी गहराई निकाल लेते हैं कंधी वाली। ये हमारी गहराई निकल चुकी है। यहाँ पे हम की होल बनाएंगे इसका पीछे वाले गले का, तो मैं 7 इंच पे इसका मार्क करके पूरा टोटली हमारा 7 इंच हो जाएगा। और इस तरह एक बारीक सा एक लाइन बना दे रही हूँ, ये देख लीजिए आप, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैं इसमें ज़्यादा खुला हुआ नहीं रख रही हूँ, इस तरह का ये एक डिज़ाइन है। ये फ्रेंड्स मैंने कट कर लिया है और अब हम इसको आगे वाले पार्ट को मैं इसमें थोड़ा ऊंचा कर रही हूँ, अप डाउन वाला लुक दे रही हूँ इसको। तो ये मैं 3 इंच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 4-5 इंच इसको जितना चाहें कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से अब कट कर लेंगे। आप कभी भी गोलाई में इसको काटें इस तरह, तो फोल्ड कर कर ही काटें, खुला नहीं काटें, वरना आपका डिज़ाइन भी बिगड़ सकता है। ये हमने इसको एक सार कर लिया फिनिशिंग के साथ। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लुक कुछ इस तरह। ये इसमें इसका दामन आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। और ये आगे से हमारी थोड़ी सी बस ऊंची है, बहुत ही परफेक्ट हमारी ये लाइन कटी है। आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी है ये। हमने यहाँ पे कट लगा लिया है स्टिचिंग के लिए और ये मैंने
चौक से डिज़ाइन बना लिया है। आप किसी भी तरह की फूल पत्ती बना सकते हैं, कोई इजी सा ही डिज़ाइन बनाएं जो आपको बनाने में आसानी हो। ऊपर से मैंने इसको ऐसे लहराते हुए इसको एक बना लिया है और इसमें दो फ्लावर दिए हैं। अगर आपको और भी अच्छे डिज़ाइन आते हैं तो आप वो बना लें, मुझे ये इजी लगा इसलिए मैंने ये लगाया। पहले मैंने सिक्किया की एक लाइन लगा ली थी, अब मैं आपको एक फ्लावर बनाना बता देती हूँ। अगर आप एक पत्ती फ्लावर की बना सकते हैं तो आप इसी तरह पूरा डिज़ाइन भी बना लेंगे। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आराम से इसको पकड़ के धीरे धीरे शेप देना है और स्टिच करते जाना है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक हल्की सी लाइनिंग लगाई है तो इसलिए इस पर सिक्किया का वर्क इजीली हो गया। अगर आपका हल्का कपड़ा है तो आप नीचे कुछ स्पंज या कोई कॉटन का लाइनिंग वगैरह ज़रूर लगाएं, इससे आपकी एम्ब्रॉयड्री अच्छी तरह हो जाएगी। जब कभी भी आप एम्ब्रॉयड्री करें तो सिंगल हल्के कपड़े पे ना करें, या तो आप उसके नीचे स्पंज या फिर लाइनिंग लगाएं तो आपकी एम्ब्रॉयड्री बहुत अच्छी हो जाएगी। या आप सादा मशीन से भी लगा सकते हैं, बस आपको आराम से इस डिज़ाइन पे सिक्किया को सिलते जाना है धीरे धीरे, और इस तरह फोल्ड करके इसके कॉर्नर बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह हम अपनी पत्तियों को बनाते जाएंगे। लाइट की वजह से आप ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको लाइट बंद करके इसकी दिखा देती हूँ बार बार। इसी तरह हम अपनी और पत्तियाँ बना के इसको कंप्लीट करते जाएंगे। ये सिक्किया का वर्क फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लुक देगा आपके सूट को, और आपका सूट बिल्कुल रेडीमेड लगेगा। अगर आप उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी और थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आपका सूट एक अलग ही डिफरेंट लुक देगा आपको। सर, आप इसको धीरे से सिक्किया को हल्का हल्का फोल्ड करते जाएं। और आप अपनी पत्तियों को इस तरह कंप्लीट कर लें। जब भी आप इसमें मोड़ें तो निडल को हमेशा अंदर की तरफ रखें, तब इसको फोल्ड करें तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। जब भी आपको घुमाना हो कपड़े को या लेस को तो आप निडल को अंदर की तरफ छोड़ें, तभी इसको घुमाएं। इसी तरह आप इसको बनाते जाएं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा वर्क नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो मैंने आपको एक फ्लावर बना के दिखा दिया है क्योंकि इसमें पत्तियां और दो फ्लावर हैं और कुछ ऐसे ही लाइन है, तो उसमें आप इजीली इसको लगा पाएं।
इसमें आपका थोड़ा टाइम जाने वाला है, आप इसको जितना अच्छा पेशेंस के साथ करेंगे ये उतना ही अच्छा लुक देगा, आप इसको जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। इस तरह आप इसको लेस को टर्न कर लिया करें हल्का हल्का। आप किसी भी तरह की बेल बना सकते हैं या फिर कोई और गले का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। मैंने इसको और अच्छा टच देने के लिए इसमें मैंने बाद में स्टोन को चिपकाया है और इसमें एक एक मोती लगाया है। आपके पास जो सामान अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करके इसको और डेकोरेट कर लें। ये आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा इसको बनाने में आपका टाइम जाने वाला है। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा वर्क हो गया है कंप्लीट और अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे बाद में। पहले हम नेकलाइन बना लेते हैं। आगे का नेकलाइन मैंने बना लिया है फ्रेंड्स, राउंड नेकलाइन है वो तो आप इजीली बना ही सकते हैं। इसको मैं बनाने का तरीका बता देती हूँ। सेम मैंने इसको कट करके बुकरम पे और पेस्ट करके रख लिया है, लेकिन आप इसको स्टिच करते टाइम क्या बात ध्यान रखें वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इस तरह का कोई भी गला बनाएं, एक यहाँ आप इसको पिन लगाएं, एक यहाँ और एक यहाँ कॉर्नर पे पिन ज़रूर लगाएं, ताकि आपका सेम जगह पर ही ये रहे। जब हम इसको सिलते हुए लाते हैं तो कभी कभी ये खिसक कर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पर एक पिन ज़रूर लगा लें अगर आप इस तरह बनाएं तो, या फिर आप बुकरम पे बनाकर ही गला काटें, पहले गले को ना काटें। और एक पिन आप यहाँ पर भी लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे टसल्स लगाऊंगी तो इसलिए मैं यहाँ पे डोरी को अटैच करूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इस तरह भी आप इसको पिन लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपके कॉर्नर हैं आप सब जगह पिन इसको ज़रूर पिनअप करें। ये देखिए, और यहाँ आप सिलाई लगा के इसको इस तरह कंप्लीट कर लें अपनी सिलाई को। लेकिन मैं इसमें ये लगाने वाली हूँ टसल्स, ये हमारे टसल्स भी बन के रेडी हो गए हैं, हम इनको डेकोरेट बाद में करेंगे। ये हम इसमें पहले अपनी डोरी को रखेंगे और फिर यहाँ इसको ऊपर ले लेंगे अगर आप डोरी वाला गला बनाना चाहें तो। और ये इस तरह जब भी हमारे कॉर्नर होंगे तो हम कॉर्नर को कट कर लेंगे, और जहाँ भी हमारी गोलाई आएगी, राउंड आएगा, वहाँ पे हम कट ज़रूर लगाएंगे, तभी हमारे नेक लाइन में फिनिशिंग आएगी। ये हमने कट लगा लिए हैं और यहाँ हम इसके सेंटर में जहाँ पे हमारा की होल है हल्का सा हम इसको भी स्ट्रेट कट करेंगे, बिल्कुल बहुत थोड़ा सिलाई बचाकर, और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। ये आप इसको इस तरह दबा लें या आयरन कर लें, ये आपका नेकलाइन भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, आप चाहें तो ना लगाएं। और हम यहाँ से इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे इधर भी, ये गला बाहर की तरफ करके और शोल्डर से शोल्डर मिला के इसको ज्वाइन कर लेंगे।
हमने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे का मोड़ेंगे घेरा। तो आप जब कभी भी गोलाई वाले घेरे को मोड़ें तो उसमें सिंगल एक सिलाई लगा लें पहले, फिर उसको डबल सिलाई लगा के मोड़ें, या फिर आप पीको करें। अगर आप एक साथ उसको मोड़ेंगे तो आपका खिंचाव आएगा और आपका कहीं से कम ज़्यादा मुड़ जाएगा। अगर आपका कहीं भी राउंड है, अगर आप गोल कुर्ता भी बना रहे हैं तो आप उसमें भी पहले उसको सिंगल मोड़ लें। इसमें आपका थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। फिर उसको डबल मोड़ें। ये देखिए मैंने सिंगल मोड़ के रख लिया है, अब मैं इसको डबल मोड़ रही हूँ। तो मैं इसमें लगाने वाली हूँ गोटा। आप इसमें गोटे की कितनी भी लाइन लगा सकते हैं, मैं इसमें दो लाइन लगाऊंगी जो एक बॉर्डर का लुक देंगी इसको। और आराम से हम मशीन से इसको लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी गोलाई है तो हम ज़्यादा खींचा तानी नहीं करेंगे इसमें। ये हमारी अप डाउन बहुत ही ब्यूटीफुल ए लाइन कुर्ती रेडी होगी। इस तरह हम सिक्किया लगा लेंगे यहाँ पे। और ये स्लीव्स हैं, पफ स्लीव्स, जो मैंने बहुत ही कम कपड़े में बनाए थे। हम इसको अपने यहाँ नाप लेंगे और अटैच कर लेंगे, जो भी तरीका आपको आता हो अटैच करने का। इस तरह इसमें हम थोड़ी सी शेपिंग दे रहे हैं। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसका शेप, क्योंकि ये हमने पट्टियों से ही जोड़कर बनाया था। थोड़ी सी हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं। मैं आगे पीछे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आगे की गहराई दे रही हूँ, ये मैं दोनों को बराबर ही रख के फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि ये पट्टियों से रेडी हुआ था तो इसमें थोड़ी फिनिशिंग कम है। इसकी वीडियो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं इसकी वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये मुझे अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। इसका शेप ठीक होगा तो आपका ये जॉइंट होने के बाद बिल्कुल ठीक शेप देने वाला है। अब आप इसको यहाँ से इस तरह पकड़ के और अपने शोल्डर इसको स्लीव्स को जॉइंट कर लिए। हमने स्लीव्स को कर लिया है जॉइंट और हमारा ये ए लाइन कुर्ती रेडी हो गई है। नेक लाइन भी देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है, और ज़्यादा ये आपको बैकलेस वाला लुक भी नहीं देगा, बहुत बंद बंद सा है ये। जो लोग बड़ा गला नहीं पहनते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। पफ स्लीव्स और ये टसल्स हैंडमेड और गोटा वर्क के साथ बहुत ही डिसेंट ये ड्रेस है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत ही ब्यूटीफुल इसके स्लीव्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।